नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं श्वेता सिंह। रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत का और गाएंगे पाकिस्तान का। श्रीनगर में जिस तरह मसरत आलम ने देशद्रोही तेवर दिखाए, उस पर पूरे देश का खून खौल उठा। बीजेपी ने भी रीढ़ सीधी करते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद को दो टूक कह दिया कि मसरत को गिरफ्तार करवाओ, वरना अगली कैबिनेट मीटिंग अकेले ही करना। शुक्रवार को ट्राल में फिर ये राष्ट्र विरोधी इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि ट्राल में किसी की नौटंकी चलने नहीं दी जाएगी। पहले तो मैं इंडियन नहीं हूं। मुल्क हमारा, पुलिस हमारी, फौज हमारी, लोग हमारे, जमीन हमारी, और ये गद्दार हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के नारे लगा रहा है। देश का नमक खाकर पाकिस्तान का राग गाने वाला ये बेशर्म है मसरत आलम। वही मसरत आलम जो कुछ दिनों पहले तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर की मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार को इस पर प्यार आ गया और ये जेल से बाहर आकर एक बार फिर से जहर उगल रहा है। बुधवार को श्रीनगर में अलगाववादियों की हुई रैली में मसरत आलम ने न सिर्फ भारत विरोधी नारे लगाए, बल्कि रैली में पाकिस्तानी झंडे भी लहराए। गद्दार ने मुंह खोला तो बस गंदा बोला। ये पहली बार नहीं है ना कि यहाँ की सरजमीन पे पाकिस्तान का झंडा लहराया गया हो। आपके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आपने भी नारेबाजी की है पाकिस्तान के फेवर में। मेरे खिलाफ बहुत सारे FIR दर्ज है, एक और सही। अपनी जमीन पर देश के दुश्मनों की ये कारगुजारी देखकर पूरे देश का खून खौल उठा। देश भर में मसरत की पाकिस्तान परस्ती के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। जम्मू से लेकर मुंबई तक, वडोदरा से लेकर बेंगलुरु तक, पूरे देश में कहीं मसरत की तस्वीर को जूतों से पीटा गया तो कहीं उसका पुतला बनकर जलता रहा। मुफ्ती मोहम्मद सईद शायद भूल गए कि सांप का जहर कभी खत्म नहीं होगा, मौका मिलते ही वो डसेगा जरूर। ऐसा ही सांप है ये मसरत, जो मियां मुफ्ती के गले की फांस बन गया। श्रीनगर में मसरत की जुर्रत पर गृह मंत्रालय ने मुफ्ती सरकार की नकेल कस दी। कश्मीर में इंसिडेंट तो हमेशा से होते आए हैं, वो तो सबको मालूम है। इसलिए उसको नया सरकार आया है, इसलिए घटना बढ़ा है, इस तरह का कहना नहीं चाहिए। सबको मिल करके हालात को किस तरह से सुधारा जा सकता है, उसमें हम लोग विचार करना चाहिए। आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस ने मसरत के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का मामला दर्ज कर लिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद भी अब कसमसाते हुए ही सही, लेकिन कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। जो आया और मसरत को कोई सजा मिल सकता है जम्मू कश्मीर प्रशासन को? मालूम नहीं, अकॉर्डिंग टू द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मसरत की आग उगलने पर मुफ्ती साहब ठंडे मिजाज में दिखे, लेकिन सरकार में साझेदार बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कड़े तेवर जरूर दिखाए। साफ कहा कि देशद्रोहियों की मुश्कें कस दी जाएंगी। उधर मसरत पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो वो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। फ्लैग्स का मैंने बोला कि फ्लैग्स हमने नहीं लहराए, तो जो लोगों ने उसमें शिरकत की उनमें से किसी ने लहराया होगा, लेकिन हमारी जो रैलियां हैं, तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो नस्बुलैन है, उसकी आबियारी के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए वो रैलियां मुनक्किद होगी, तो उसमें नारेबाजी भी होगी। मसरत आलम को क्या सोचकर मुफ्ती सरकार ने रिहा करवाया था कि अब वो सुधर जाएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा? जी नहीं, मसरत के बारे में सबको पता था कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मसरत नहीं सुधर सकता। यही सच था और यही सच है। अब सब कुछ मुफ्ती सरकार पर है कि कब इस गद्दार को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मसरत आलम और दूसरे अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। साफ दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं मसरत आलम की गिरफ्तारी तय है। महत्वपूर्ण है कि शुक्रवार को एक बार फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ट्राल चलो का आह्वान किया है।
जाहिर है कि कल की फजीहत के बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार दोबारा ऐसे हालात नहीं चाहेगी और कभी भी मसरत आलम को गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल मसरत आलम छुपे हुए हैं। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफानी, श्रीनगर आज तक। श्रीनगर में एक राष्ट्रद्रोही ने पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़े तो पाकिस्तान में बैठा उनका आका खुश हो गया। हाफिज सईद ने मसरत आलम के गुनाह को अपना समर्थन दिया, बेहूदी सी दलील भी दी कि मसरत ने पाकिस्तानी झंडा हिंदुस्तान में नहीं फहराया है। लगता है बुढ़ापे में हाफिज की याददाश्त कमजोर हो गई, शायद उसे याद नहीं रहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में जब देशद्रोही हरकत होती है तो पूरे देश का खून खौलता है। जल्दी से जल्दी उठा के जेल में डाल देना चाहिए। सबसे पहले इनके अरमान पूरे करके इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। इन पुतलों से उठती लपटें आक्रोश का प्रतीक है और ये सुलगता धुआं हमारे धधकते जज्बातों का सुकून है। बचपन से पढ़ते आए कि कश्मीर भारत का मुकुट है, अब फिर उसी मुकुट पर देशद्रोही मसरत आलम की तिरछी नजर है। रिहाई के बाद ये सिरफिरा देश की चोटी पर खड़ा होकर देश विरोधी नारे लगा रहा है। इसे लोकतांत्रिक न्याय के खांचे में फिट कैसे मान लिया जाए? क्यों न कहा जाए कि सूबा चलाने वाले अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसे न्याय संगत कहते हैं। मामूली केस वाले बंदियों से जम्मू कश्मीर की जेलें भरी हैं, उनके मामले विचाराधीन है, लेकिन मुफ्ती साहब ने एक देशद्रोही को रिहा करते न जाने क्या विचार किया होगा। अब ये खुलेआम कश्मीर छीन लेने का नारा गा रहा है। मसरत के अलगाव राग पर देश में आक्रोश है, मुट्ठियां भींची हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मसरत तो पहुंच से बाहर है, लेकिन उसकी तस्वीरों को ही सूलियों पर टांगा जा रहा है, जूते और चप्पल बरसाए जा रहे हैं। साथ ही ये गिला उस सरकार में भागीदार उस पार्टी से भी है जिसका नारा नेशन फर्स्ट है। इन अलगाववादियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके और सरखाखों के पीछे डालना चाहिए और किसी भी तरह से इनको छोड़ना नहीं चाहिए। और राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यमंत्री, आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी और जो पीडीपी सरकार है, इन्होंने मिलकर जो है हम लोगों के साथ धोखा किया है और ये लोग बीजेपी वाले भी मूर्ख बन के बैठे हैं और इनके होते हुए हमें ऐसे नारे लग रहे हैं। हम इनको शेम करते हैं, इनको फटाफट सीट छोड़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे गवर्नर राज लगना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए। ये तो तय था कि रिहाई के बाद मसरत आलम कश्मीर के भीतर अलगाववादी अभियान तेज करेगा, जबकि मसरत आलम की रिहाई की शर्त थी कि वो अलगाववाद नहीं भड़काएगा, लेकिन मसरत बाज नहीं आया। गिलानी हो या यासिन मलिक हो या फिर मसरत हो, ये सब संपोले हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में आज से नहीं, प्रारंभ से ही उन अलगाववादी गतिविधियों को नेतृत्व देते रहे हैं जो भारत का विरोध करते हैं और कश्मीर के अंदर भारत विरोधी वातावरण पैदा करते हैं। मसरत आलम ने फिर वही अलगाव राग दोहराया है और सरकार में साझेदार बीजेपी अपना दावा दोहरा रही है, सुरक्षा का दावा और साथ ही ये भी कि जनता अलगाव के नहीं विकास के साथ है। चिंता ना करें, भारत की जनता कभी भी भारत के विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी, न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारत की जनता बर्दाश्त। बहरहाल मसरत आलम ने बुधवार को श्रीनगर में जो कुछ भी किया उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी, मथुरा से मदन गोपाल, जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। गजब इत्तेफाक है।
जम्मू कश्मीर सरकार की एक पार्टनर बीजेपी है, राष्ट्रवाद जिसका मजहब है, कश्मीर जिसके लिए भारत का भाल है, दूसरी पार्टनर पीडीपी है जो कश्मीर को दीमक की तरह चाट रहे भारत विरोधियों को खाद पानी दे रही है, सहानुभूति दिखा रही है। तो क्या यह माना जाए कि कश्मीर में भारत विरोधी तत्वों के अच्छे दिन आ गए हैं? देश की धरती पर यह सिरफिरा मसरत अगर ऐसे नारे लगाने की जरूरत कर रहा है तो किसके दम पर, कौन है इसका रहनुमा? जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार है, सरकार में शामिल बीजेपी राष्ट्रवाद का माला जपती है, तो पीडीपी कश्मीर के अलगाववादियों से सहानुभूति रखती है। सवाल यह है कि सरकार में चलती किसकी है, पीडीपी की या बीजेपी की? सूरतेहाल तो यही बयां कर रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है कश्मीर में अलगाववादियों की बनाई है। मसरत की रिहाई उसकी यूं सरेआम पाकिस्तान परस्ती तो यही बयां कर रही है। कश्मीर में खुलेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। पिछले 23 मार्च को वहां पाकिस्तान दिवस मनाया गया। कश्मीर की एक और अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने पाकिस्तानी झंडा फहराया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो आजाद घूम रही है। अब वो डंके की चोट पर कह रही है कि जब भी मौका मिलेगा पाकिस्तानी झंडा लहराएगी। हिंदुस्तान कितने लोगों को गिरफ्तार करेगा? मसरत आलम साहब को फिर से गिरफ्तार करेंगे, लेकिन इतने हजारों लाखों लोगों को वो कहां पे गिरफ्तार करेंगे? अगर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हमारे जज्बात और हमारी जो एस्पिरेशन है उन पे तो वो पहरा नहीं ना बिठा सकते हैं, इसलिए जब भी मौका मिले हम अपने जज्बात का इजहार करेंगे ही। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान का आभार जताया था, तभी लग गया था कि ये सरकार बंटाधार करेगी। फिलहाल तो कश्मीर में वही हो रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। मसरत आलम जैसे लोग इंसान नहीं, इंसान के भेष में शैतान होते हैं। अमन इन्हें पसंद नहीं, ये सिर्फ खून खराबा देखना चाहते हैं। मसरत तो वैसे भी शैतानी दिमाग का हैवान है, उसे कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश करने में महारत हासिल है। इसी के भड़काने पर 2010 में जाने कितने कश्मीरी नौजवान जान से हाथ धो बैठे थे। मसरत आलम कश्मीर घाटी में लंबे वक्त से अलगाववाद की लकीर खींचने में लगा है। फिलहाल मुस्लिम लीग का चेयरमैन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का महासचिव लंबे अरसे से कश्मीरी युवाओं को भटका रहा है। मसरत 2008 में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुर्खियों में आया। इसने अमरनाथ यात्रियों की वापसी के लिए युवाओं से रगड़ा नाम का एक प्रदर्शन कराया और गो इंडिया गो बैक का नारा दिया। इसके बाद 2010 में कश्मीर में भड़के फसाद में युवाओं से पत्थरबाजी कराई। मसरत 1990 में आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला से भी जुड़ा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मसरत आलम कई बार जेल जा चुका है। 1990 से 2005 तक मसरत 12 साल से ज्यादा की जेल काट चुका है। पहली बार 1990 में मसरत की गिरफ्तारी हुई। कश्मीर में पत्थरबाजी के बाद 8 अक्टूबर 2010 को मसरत को जेल में डाल दिया गया और पीडीपी बीजेपी सरकार में 7 मार्च 2015 को उसकी रिहाई हुई। 2010 तक मसरत आलम दूसरे अलगाववादी नेताओं की तरह जम्मू कश्मीर में एक अलगाववादी नेता की तरह ही था, लेकिन 2010 में पत्थरबाजी के चलते वो सुर्खियों में आया। फिर वो कई साल तक जेल में रहा, लेकिन जिस अंदाज से बुधवार को पाकिस्तान समर्थक रैली में वो आगे आगे था और उसके समर्थक उसके पीछे पीछे, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर वो सुर्खियों में आया है। मसरत आलम न सिर्फ एक नेता बन गया है, बल्कि साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अलगाववादी सोच रखने वाले युवकों में भी अब काफी लोकप्रिय होने लगा है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।